10th class. Now let us see question number 16. And what is asked in question number 16 is that a fraction clutch is in the form of the frustum of the cone. एक फ्रैक्शन क्लच है जो इस तरीके की फ्रस्टम की शेप का है एंड डायमीटर ऑफ द एंड बीइंग 32 एंड 20 डायमीटर दिया है हमारे को ये डी है डी वन एंड दिस इज डी टू ये 20 दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्या करना है हमें देखिए फाइंड इट्स बियरिंग सरफेस एंड वॉल्यूम ओके बेटा तो ये हमारे को दिया है डायमीटर तो रेडियस हो गया 16 सेंटीमीटर ऐसे ही R2 हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और हाइट दी है 8 सेंटीमीटर अब हमने लिख लिया R1 इतना है R2 10 है H हमारा 8 सेंटीमीटर है हम निकालेंगे स्लांट हाइट क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है उसमें L यूज होगा इसलिए हम स्लांट हाइट निकालेंगे एंड स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होता है ये फॉर्मूला लर्न करने की बात है ये फॉर्मूला लर्न करने की बात है और ये फॉर्मूला भी लर्न करने की बात है तो जो जो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं उन पे मैं स्टार लगा देती हूँ आप रजिस्टर के पीछे में लिखते जाइए और एग्जाम के लिए रेडी आपको रखने हैं ताकि आप लास्ट एग्जाम वाले दिन लास्ट में उन सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जा सकें ओके बेटा तो नोट्स की शेप में अपने सारे फॉर्मूलाज को मेन मेन पॉइंट्स को आप लिखना शुरू कर दीजिए अभी से ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर वन माइनस आर टू होल स्केयर एंड दैट विल बी इक्वल टू एच था हमारा 8 आर वन था हमारा 16 और आर टू था 10 आर वन हमेशा बड़े को ले लीजिए ओके बेटा तो क्या आ जाएगा 64 इसमें से घटाएंगे 6 जा 36 एंड वी आर गेटिंग 100 उसका अंडर द रूट करेंगे तो एल आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर ओके बेटा अब आगे देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें सरफेस एरिया ऑफ द क्लच निकालना है क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द क्लच उसके लिए हमें सी एस ए ऑफ दिस फ्रस्टम निकालना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल 22/7 इंटू 10 प्लस 16 आर वन 16 था और ये था हमारा 10 थोड़ा उल्टा लिख दिया है इंटू हमारा एल आया है 10 अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 817.17 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके बेटा तो हमने सरफेस एरिया निकाल दिया है ये देखिए अब वॉल्यूम निकालना वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू इंटू एच 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर वन हो गया हमारा 16 आर टू हो गया 10 एंड 10 इंटू 16 आर वन इंटू आर टू होता है ना तो ये 16 और ये हो गया 10 ऐसे भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके बेटा इनटू हाइट है हमारी 8 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 256 प्लस 100 प्लस 160 इनटू 8 फिर से सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर 4324.57 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर आएगा तो दो चीज़ें निकालनी थी सरफेस एरिया ऑफ द क्लच एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम वो हमने निकाल दिया है तो इस क्वेश्चन में खास बड़ी बात नहीं है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की बात है फिगर को बनाने की बात है फिर ये डायमीटर दिए हैं रेडियस निकाला हमने फिर दूसरी बात कि एल निकालना है हमें क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है उसके लिए हमें सी एस ए निकालना होगा एल आ जाएगा आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए तब जाके आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं ओके बेटा यस 10th क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट को समझने की बहुत जरूरत है अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फेरिकल वॉल्टेड डोम विच कंटेन 17.7 मीटर क्यूब देखो एक सिलेंडर है उसके ऊपर हेमिस्फीयर वॉल्टेड डोम है ठीक है ऐसे डोम सी बनी हुई है तो इसके बारे में क्या कहता है देखिए इसके अंदर जो एयर कंटेंड है एयर ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो है 17.7 मीटर क्यूब तो देखो आंसर आएगा मीटर में क्योंकि ये वॉल्यूम जो हमारा मीटर क्यूब है और पाई 22/7 इस्तेमाल करना है और देखिए क्या कहता है एंड इट्स इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द क्राउन ऑफ द वॉल्ट अबाउट द फ्लोर अब देखिए क्या कहता है कि जो इसका डायमीटर है दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल्ट फ्रॉम द फ्लोर यहां से लेके यहां तक 2R अगर ये 2R है तो ये भी 2R है तो इसका मतलब क्या हुआ डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई राइट बेटा अगर आपने ये बात समझ ली तो बहुत आसान हो जाएगा देखिए ये डायमीटर है
तो रेडियस आर आर हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा। अब ये कितना था, ये टू आर था तो ये भी टू आर है, देखो इज इक्वल टू टू आर मैंने लिख दिया, आप बिल्कुल सही समझ में आएगा। अब ये पूरा टू आर था, ये आर था तो ये भी आर आ गया। जब ये चीज समझ में आ जाती है तो आधा क्वेश्चन हो जाता है, राइट बेटा। तो हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि टू आर निकालना है। तो देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बिल्डिंग, ये मैंने ये बात आपको समझा दी है। अब ये रेडियस आर आ गया, हेमिस्फीयर का रेडियस भी आर हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर टू आर में से आर घटा करके ये आर घटा के ये आर आ गया। अब हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। जब एयर का वॉल्यूम है इट मीन्स वी हैव गॉट द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। अब वो वॉल्यूम क्या है, इस बिल्डिंग का वॉल्यूम क्या है, देखिए इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, राइट बेटा। अब देखिए वैल्यूज लगा दीजिए, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर तो आर ही था हमारा, एच भी हमारा आर है सिलेंडर में, देखो एच भी आर है, तो ये देखो हाइट मैंने लिखी हुई है आर, ठीक है, टू बाई थ्री पाई इंटू आर क्यूब, राइट बेटा। अब हम क्या करेंगे, पाई आर क्यूब को मान लेते हैं, वन प्लस टू बाई थ्री रह गया, इसको ऐड करेंगे वी विल गेट फाइव बाई थ्री, एंड वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है 17.7 मीटर क्यूब, ये मैंने लिखा हुआ है, राइट बेटा। अब इसको अलग कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये देखो ये मैंने आर के लिए सॉल्व किया हुआ है, तो पाई आर क्यूब आ गया, ये था हमारा, यस बेटा, यस यस ये ठीक है, अलग नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसके बीच में ही है, ये गलती से हो गया है, इसको मैं इरेज करती हूँ, यस बेटा देखिए इसको हटा दीजिए, इसके साथ में है 17.7, तो ये इसके साथ में ये हमारा आ गया था ना पाई आर क्यूब इंटू फाइव बाई थ्री, ये आया था हमारा 17.7, राइट बेटा। तो ये है अलग, ये यहाँ से अलग है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, आर क्यूब को यहीं रखेंगे, 17.7 इंटू थ्री बाई फाइव इंटू सेवन बाई 22, इस आर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट बेटा, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, चलो ये आर के लिए हमने सॉल्व किया, तो ये बड़ा सा आ रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड वन बाय थ्री लिख दीजिए, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, दैट इज इक्वल टू टू आर, ये देखो ये टू आर, टू इंटू ये सारा लिख देंगे, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अंदाजे से भी इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि इतना सारा सॉल्व करना कोई खास जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 3 के अराउंड लिख दीजिए, उतने में भी काम चल जाएगा, राइट बेटा, क्योंकि इसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसका करेंगे 1/3 तो थोड़ा ही आएगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर के करीब आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात समझने की ये है कि जो डायमीटर है हाइट के बराबर है, फिर ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस बराबर हो गया, ये भी आर बराबर हो गया, फिर इस पूरे टू आर में से इस आर को हटा करके इस आर को निकालना, फिर आपको समझना कि जो एयर है वही वॉल्यूम है, फिर आपका ये समझना कि इस बिल्डिंग का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऐसे निकलेगा, ओके बेटा। फिर फॉर्मूलाज को लगाना, तो फॉर्मूलाज का आपका लर्न करना, उसके बाद आर का फाइंड आउट करना, और फिर ये अंडरस्टैंड करना कि कैलकुलेशन में हमें फंसना नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर टू आर निकालना, और टू आर निकालने के बाद आ गया हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके बेटा। Yes, 10th class. Now let us see question number 13. And what is asked in question number 13 is that a metallic cylinder has the radius 3 cm. 3 cm radius है and the height is 5 cm. It is made of metal A. A metal से बना हुआ है. To reduce its weight, अब इस cylinder का weight reduce करने के लिए a conical hole is drilled to the cylinder. इसमें से ये इतना सा हिस्सा निकाल लिया cone की shape में. ये मैंने अलग से भी दिखाया हुआ है. राइट बेटा, as shown, एंड इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लाइटर मेटल बी, और इसके अंदर लाइटर मेटल भर दिया, ये वुड का है तो वुड से भी हल्का भर दिया, मान लो ये लोहे का है तो ये वुड से भर दिया, तो हल्का मेटल भर दिया, ये मेटल ए है, मेटल ए एंड दिस इज मेटल बी,
राइट बेटा, तो कहता है द कॉनिकल होल हैज रेडियस 3/2, इसका रेडियस 3/2 है, इसकी हाइट 8/9 सेंटीमीटर है, एंड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी। अब मेटल ए का वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस कॉनिकल होल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए आएगा। फिर हम इस कॉनिकल होल का जो निकाल चुके हैं वो वॉल्यूम बी होगा हमारा, देखो वॉल्यूम बी और ये सारा वॉल्यूम ए, इसमें से इसको घटा के वॉल्यूम ए होगा, फिर उन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर 3 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर था, ये 5 है देखिए जरा, एंड दोबारा से लिख देती हूँ ये 5 है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई को ऐसे ही रख लीजिए 3 स्क्वायर इंटू 5। अब कॉनिकल होल का ये था हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम 1 रख दिया, ये वॉल्यूम 2 निकालिए कॉनिकल होल का, रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, हाइट 8/9 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 3/2 का स्क्वायर इंटू 8/9। अब इसको कट करेंगे यू विल गेट 2/3 पाई। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो वॉल्यूम ए आएगा, हमें इसको हटा करके वॉल्यूम ए निकालना है, 45 माइनस 2/3 पाई बाहर ले लीजिए, 133/3 पाई आ गया। अब हमें कंपेयर करना है वॉल्यूम ए बाय बी, अब देखिए जरा 133/3 पाई बाय 2/3 पाई, पाई पाई से कट, 3 से 3 कट, एंड वी आर गेटिंग 133/2। ये रेशो आई किस चीज की आई, वॉल्यूम ए टू वॉल्यूम बी, राइट बेटा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, रादर वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लग रही है। पहली बात तो वॉल्यूम ए कैसे निकालेंगे, इस सारे में से कॉनिकल होल को निकाल देंगे वॉल्यूम ए आएगा, माइनस करना मत भूलना। फिर इस कॉनिकल होल के साथ उसकी रेशो निकालनी है, सिंपल। ओके बेटा, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। 10th क्लास, नाउ लेट अस सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। कॉपर वायर ऑफ 4 mm इन द डायमीटर, एक वायर है और कितनी मोटी है, 4 mm। पहले उसके सेंटीमीटर बनाएंगे 4/10 करके, तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये है हमारी वायर का डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये वायर है, वायर के बारे में बात कर रही हूँ। फिर कहता है इज इवनली वाउंड अबाउट अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट दिया गया है, whose length is 24 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की जो हाइट है 24 सेंटीमीटर है, और डायमीटर 20 सेंटीमीटर था तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया सिलेंडर के बारे में, ये वो सिलेंडर है जिसके चारों तरफ वायर को लपेटा गया है। अब क्या कहता है देखिए जरा, टू सो एज टू कवर द होल सरफेस फाइंड द लेंथ एंड द वेट ऑफ द वायर एज्यूमिंग द स्पेसिफिक डेंसिटी। तो कहता है कि ये जो वायर है इसकी लेंथ निकालो, पूरी लेंथ निकालो, क्योंकि कितनी लेंथ चाहिए हमें इसके चारों तरफ लपेटने के लिए, एंड वेट ऑफ द वायर, और उस वायर का वेट भी निकालो जब हमारे को वायर एज्यूमिंग द स्पेसिफिक डेंसिटी टू बी 8.88 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक सेंटीमीटर क्यूब में 8.88 ग्राम हो तो टोटल कितना किलो वेट उस वायर में होगा। तो सबसे पहली बात, इस सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर की मदद से बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों तरफ वायर को लपेटा है, तो देखो नंबर ऑफ द राउंड निकालने पड़ेंगे पहले, तो तभी तो लेंथ निकाल पाएंगे ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, हाइट ऑफ द सिलेंडर बाय थिकनेस ऑफ द वायर, देखो ऐसे घूमी तो उसकी जितनी मोटाई है उसके ऊपर दूसरी मोटाई आएगी, तीसरी मोटाई आएगी, इस तरीके से लेयर बनती जाएगी वायर की। तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ द राउंड 24/0.4 सेंटीमीटर करके, ये हमारी मोटाई थी किसकी, वायर की। ओके, तो थिकनेस क्या थी, थिकनेस ऑफ वायर थी हमारी 0.4 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए। तो नंबर ऑफ द राउंड्स आ गया 60 राउंड्स आ गए, तो 60 बार लपेटा गया उसको। अब लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है हमें, उसके लिए पहले राउंड जो हमारी सरकमफ्रेंस है ये पहला राउंड हो गया, और ऐसे ऐसे कितने राउंड लगाए, 60 राउंड लगाए, तो सरकमफ्रेंस निकला 2πr, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 60 से, और हमारी लेंथ ऑफ द वायर आ गई 3771.43 सेंटीमीटर।
राइट बेटा, तो कितनी लंबी तार चाहिए? 3771.43 सेंटीमीटर। अब हमारे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये जितनी भी वायर है इसका वॉल्यूम, और उसके वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर एच लगाना होगा। आर कौन सा लेंगे? ये वाला जो वायर की मोटाई थी वो वाला आर लेंगे, और एच क्या लेंगे? एच लेंगे हम जो लेंथ आई थी वो लेंगे एच, और उसको लगा करके वॉल्यूम ऑफ द वायर निकाल देंगे। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ द वायर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है। एक सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी है हमारी 8.88 ग्राम, तो इतने सारे वॉल्यूम की निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4210.18 ग्राम आएगा। उसको आपने डिवाइड करना है 1000 से ताकि किलो में निकल जाए, आसानी हो जाए, ज़्यादा बड़ा बड़ा टर्म में ना लिखना पड़े, क्योंकि 1000 है 3 डिजिट पीछे चला गया, 4.210 किलोग्राम। ये आ गया हमारा वेट ऑफ द वायर, और लेंथ क्या आया था? लेंथ ये आया था 3771.43 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिए, पहली बात सिलेंडर के बारे में स्टडी कीजिए, फिर आप वन राउंड का लेंथ निकालिए, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ द वायर निकालना है, उसमें रेडियस आपको 0.2 लगाना है, लेंथ जो हमने निकाली है वही लगानी है, उसके बाद बस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8.88 ग्राम से, क्योंकि हमारा वेट ऑफ द वायर निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द वायर इनटू स्पेसिफिक डेंसिटी। ओके बेटा, एंड यू विल गेट द आंसर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग में हो सकती है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, क्लास नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। श्याम एंड हिज वाइफ राधा आर मेकिंग जैगरी, जैगरी बना रहे हैं आउट ऑफ द शुगर केन जूस, गुड़ बना रहे हैं या शक्कर बना रहे हैं, जो भी है। दे हैव प्रोसेस्ड द शुगर जूस टू मेक द मोलेसेस, और मोलेसेस बनाने के लिए उन्होंने उस जूस को प्रोसेस कर लिया है। विच इज पोर्ड इन टू द मोल्ड इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, और इस शेप में उनको डालना है। द डायमीटर ऑफ हूज सर्कुलर एंड इज 30 सेंटीमीटर एंड 35, 30 ये दिया है हमारे को डायमीटर 1, डायमीटर 2, ये डायमीटर 1 एंड दिस इज डायमीटर 2, राइट बेटा। और उनके रेडियसेस हमने निकाल लिए, रेडियस 2 आया 30/2 एंड रेडियस 1 35/2, एंड व्हाट इज आस्क्ड, हूज हाइट इज 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मोलेसेस इज 1.2 ग्राम, अगर 1.2 ग्राम है, देन द फाइंड द मास ऑफ मोलेसेस दैट कैन बी पोर्ड इन ईच मोल्ड, हर मोल्ड में हमें कितना मास डाल सकेंगे वो फाइंड आउट करना है, और पाई कहता है 22/7 यूज कर लीजिए। ओके बेटा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये 1.2 ग्राम था यहाँ पे। यस बेटा, तो आर वन हो गया 35/2, आर टू हो गया 30/2, हाइट 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द मोलेसेस टू बी पोर्ड इन द फ्रस्टम ऑफ द कोन, ये वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम लगा दीजिए 1/3 पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, एंड देन 1/3 22/7 इंटू एच था हमारा 14, ये 35/2 लगा दिया, 30/2 प्लस इन दोनों का स्क्वायर प्लस 30/2 इंटू 35/2, जब आप इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, 44/3 आ जाएगा, एंड देन इंटू करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 3175/4, एंड वी आर गोइंग टू गेट 34925/3, एंड दैट विल बी इक्वल टू 116417 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मोलेसेस है 1.2 ग्राम के बराबर, इसीलिए ये जो है रिक्वायर्ड मोलेसेस कितना चाहिए, इस सारे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एंड वी विल गेट 1397004 ग्राम, और जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, एंड वी विल गेट 1397004 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन को तो हम एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जब रेडियस 1 रेडियस 2 दिया है, हाइट दिया है, सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम को, वी विल गेट द रिक्वायर्ड मास ऑफ द मोलेसिस टू बी पोर्ड इन द फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि
एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं, बड़े आराम से कर सकते हो, सिंपल है, आसान है, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डरने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डरने की तो उसे ही ज़रूरत होती है बेटा जो पढ़ता नहीं है। तो आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ढंग से फॉर्मूला लर्न करते हैं, तो आप स्पीड से पेपर को कर पाएंगे एग्ज़ाम को, एंड आपका टाइम भी बचेगा, आप रिवाइज भी कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ड्रिल कीजिए, बार बार क्वेश्चंस को कीजिए, फॉर्मूलाज को लिख लिख के याद कीजिए, एंड यू विल बी रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ओके बेटा।